आज मम्मी जो है वो सुबह उठ चुकी है क्योंकि आज हम लोग लेके जा रहे हैं। छल्ले हो जाएगी सबकी बल्ले बल्ले, धो चुकी है फिर से हमारी तड़कती फड़कती मॉर्निंग। और हमारे यहाँ पे अंशु जी जो है वो सोए हुए हैं, इनको हम उठाते हैं और देखिए ये कैसे सोते हैं रात को। और देखो चाय जो है वो रखी हुई है, एक अपने लिए है और एक पापा जी के लिए है। पापा को बम मीठे वाली चाय बनती है इसलिए पापा को अलग चाय बनती है, तो क्योंकि पापा को शुगर है इसलिए पापा शुगर लेस चाय पीते हैं और हम जो है हम करारे मीठे वाली चाय पीते हैं इसलिए हमारी वाली चाय अलग है और पापा वाली चाय अलग है। और इस वाले कुकर में जो है इसमें बना हुआ है ब्रेकफास्ट, इसमें आलू वाले के है और इसके परौंठे बनाए परौंठे बन रहे हैं। तो अभी हम आपको इस स्प्रे पंप के बारे में बताएंगे, इस ब्लॉग में आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। तो आज इस स्प्रे पंप के बारे में बताते हैं, इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ से खोलें, यहाँ से खुल जाएगा और ये आप पानी डालें, तो ठीक है आप इस स्प्रे पंप से घर में भी स्प्रे कर सकते हैं और खेतों में भी कर सकते हैं, मक्खी मच्छर मारने के काम भी आ सकता है और जो लकड़ी में फर्नीचर में कीड़ा वगैरह लगे तो उसको भी आ सकता है काम ये। तो आपको यूज़ कैसे करना है, आपने इसमें मान लो दवाई और पानी वगैरह मिक्स करके डाल दिया, पानी और दवाई वगैरह जो है वो डाल दिया, तो इसको आप ये जो इसका एक पिस्टन टाइप दिया गया है उसको आप इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ से प्रेशर बनाएं इसमें। जब आपको प्रेशर, जब इसका प्रेशर जो है ये बजने हार्ड हो जाएगा तो आपने ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं मारना है, अदरवाइज ये नीचे से इसकी टंकी जो है फट सकती है। तो आप देखें इसकी जो स्प्रेडिंग है वो कितनी है, देखो किस तरह से जो पानी छाँक रहा है, देखो आप इसको अपने दिख रहा है ये आपकी देखो आप इसको ये अपने हिसाब से आके जो वो इसकी नोजल जो है उसको ढीला करके आप ये देख सकते हैं पानी कितने आपके तक छाँकना है, वो आप भी खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। इतना भी नहीं खोना कि पानी के प्रेशर के साथ इसकी नोजल जो आगे उड़ जाए, आपने इतना ही खोना कि जितनी की इसकी स्प्रेडिंग जो वो हो सके। और ये देखें इसकी जो एक बार मारने से काफ़ी टाइम निकाल जाता है, ये देखें आप जब एक बार इसमें जो ये प्रेशर जो वो बनाया गया है, ये देखें आप इसका प्रेशर खुद ही चलता है, एक बार बस इसमें प्रेशर बनाने की जरूरत होती है उसके बाद खुद चलेगा और अपने हिसाब से ये आगे तक जो है ये भाग सकती है, इसकी रेंज जा सकती है। ये देखो दोस्तों इसकी जो मौजूद इसकी रेंज है वो देखो आप आगे तक जाएगी काफ़ी आगे तक दोस्तों देखिए। तो दोस्तों इसका अब मेन पर्पस ये है कि जैसे आप किचन गार्डनिंग में जो भी सब्जी वगैरह लगाते हैं उसमें कीड़ा लगता है तो आप इस स्प्रे पंप का यूज़ करें, एक बार आपने पंप में प्रेशर बना के आप जो वो यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ही अच्छी है और देखो जो फर्नीचर में कीड़ा वगैरह लगता है उसमें जो कीड़े हैं वो छोटे छोटे छेद कर देते हैं तो उनमें क्या है कि दवाई जो है वो अच्छी तरह जा नहीं पाती, तो इसको अगर इसकी नोज़ल को आगे से थोड़ा सा ढीला करके इसकी जो दवाई है वो आगे तक और पूरे प्रेशर के साथ जाती है तो अंदर का जो कीड़ा होता है वो भी पूरी अच्छी तरह से जो मर जाता है और सारा कीड़ा बाहर आके जो वो मरता है। तो आप इस पंप का जो यूज़ कर सकते हैं ऐसे कामों में जहाँ पे बाकी का बाकी जो पंप है वो काम नहीं करें, वहाँ पे ये वाला पंप जो वो काम करता है अच्छी तरह। और बाकी आपके साथ विशिष्ट एग्रो स्टोर हर पल खड़ा है दोस्तों। तो आपको एक और दवाई के बारे में बताते हैं, जो भी लोग जो हैं अपने घर के आसपास जैसे बिच्छू बूटी या जो भी बड़े घास फूस जो ख़त्म नहीं हो पाता है तो वो लेबर वगैरह का काम करते तो ऐसा उससे ऐसा होता है कि आप एक बार उसको कटवा दोगे तो दोबारा फिर से वो घास जो वो एक या दो मंथ के अंदर वो फिर से निकल आता है, तो आप इस दवाई का यूज़ करें। सॉरी आपको दिख नहीं पा रही होगी, तो ये देखो इसका नाम है राउंडअप, इसके अंदर है ग्लाइफोसेट 41% SL जो वो सोल्ट पड़ा हुआ है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कनिका बताएगी, कहाँ जा रहे हैं आज हम, क्यों जा रहे हैं आज हम, शादी है वहाँ पे तो हम लोढ़क लेके जा रहे हैं, तो जो बंदे पहाड़ी हैं वो तो जानते हैं लोढ़क क्या होती है,
मगर जो नहीं जानते उनको बता दें, लोढ़क होती है जैसे जिसकी शादी हो रही होती है, जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही होती है उनको शादी से पहले जो है उनके पकवान, मतलब जो उनको अच्छा लगता है खाने में पीने में, उनको वो खिलाया पिलाया जाता है। अभी हम बुआ के घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ठंड बहुत है, इसलिए हम सारे जो है वो आग सेक रहे हैं और थोड़ी देर में अब डांस वगैरह शुरू करते हैं। तो देखिए अभी सारे लोग जो वो डांस का एंजॉय कर रहे हैं।